हे गाइस हाय वेलकम बैक इन यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आपका होस्ट आलोक सिंह। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा काम का रहने वाला है आपके लिए, बिकॉज मैंने अपने किया सेल्टोस का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इन 10,000 किलोमीटर्स को चलाने का एंड 6 महीने मेंटेन करने का, मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, लाइक गाड़ी की पार्ट्स की कॉस्ट कैसी है, पार्ट अवेलेबिलिटी कैसी है, सर्विस कैसी है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है चलाने का, क्या इसमें कमियाँ हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, सारा कुछ मैंने कवर किया हुआ है। आप प्लीज़ इस वीडियो को मेक श्योर लास्ट तक देखिएगा। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा लेंथी वीडियो मैंने बनाया है, बट आपके बहुत काम आने वाला है। इवन इफ यू आर ओनिंग एनी अदर व्हीकल, आपके पास और की गाड़ी है तो भी काम आ जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ, वो सारे फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेक श्योर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स के वीडियोस के अंदर आपके लिए मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वार्टरइन के अंदर गाड़ी मैंने खड़ी कर रखी है, इसलिए कवर उड़ा हुआ है। मोर देन 4 डेज हो चुके हैं गाड़ी को स्टार्ट किए हुए। तो किया रिकमेंड करता है आपको गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए अगर आपकी गाड़ी आइडल खड़ी है मोर देन 3 डेज, बिकॉज बैटरी आपकी फिर ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो कवर मैंने उड़ा दिया था। बाकी जो भी पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपके काम आएंगे, आपके पास भले ही और कोई गाड़ी हो। तो पहले मैं इसका ये हुक हटा देता हूँ, बिकॉज ये हुक से मैंने इसको कर रखा था। ये गाड़ी देखिए, कवर उड़ाने का फ़ायदा क्या होता है कि गाड़ी आपकी साफ रहती है हमेशा, हवा बहुत तेज़ चल रही है इसलिए पूरा कवर अपने आप ही हटने लग गया। ये है। तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी का कवर हटा चुका हूँ। आपको पहले मैं ओवरऑल लुक दिखाता हूँ गाड़ी का, उसके बाद आपको मैं अंदर लेके चलूँगा, दिखाऊँगा क्या गाड़ी में काम करवाया, कैसा एक्सपीरियंस है मेरा। गाड़ी का जो ये मॉडल है आपका रहेगा किया सेल्टोस HTK+ मॉडल, स्टील सिल्वर कलर मैंने चूज़ किया। इससे पहले जो मेरे पास गाड़ी थी वो थी वाइट कलर की, पर्ल आर्कटिक वाइट कलर था मेरे पास, थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। चलिए चलते हैं अंदर। गाड़ी को पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज गाड़ी काफ़ी टाइम से खड़ी थी, थोड़ा सा बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी एंड आपका जो अंदर एयर भरी हुई है वो कुछ क्लीन हो जाएगी। स्टार्ट कर चुके हैं, ये देखिए गाड़ी को अभी तक जो मैं चला चुका हूँ वो है आपका 10,620 किलोमीटर्स मैं गाड़ी को चला चुका हूँ अभी तक। ये देखिए डिजिटल पे मैंने मीटर सेट कर रखा है गाड़ी का। ये कुछ इंटीरियर रहेगा आपका ओवरऑल। जब ये सीट कवर फ्रेंड्स मैंने लगवाए थे, मेरे को लोगों ने बोला, जो व्यूवर्स हैं उन्होंने बोला कि आलो कि ये स्टीयरिंग व्हील का जो कवर आपने लगवाया है ये इतना कुछ अच्छी फिनिशिंग नहीं है, बाकी ओवरऑल फिनिशिंग सीट कवर्स की अच्छी है। तो ये सीट कवर्स मैंने बाहर से लगवाए। अब फ्रेंड्स, बात करता हूँ मैं आपसे ओवरऑल एक्सपीरियंस की गाड़ी के साथ। तो वही है, मैं पहले ही बोलता आ रहा हूँ आप लोगों के साथ कि मैं अंधभक्त तो नहीं हूँ किया सेल्टोस का या किया की किसी भी गाड़ी का, बट ये गाड़ी ऐसी है कि देखते ही मुझे पसंद आ गई। पहले मैंने बुक की थी आपकी टाटा की हैरियर, थोड़ी सी वो तब महंगी पड़ रही थी, गाड़ी लॉन्च ही हुई थी, जो कुछ मेरे को चाहिए था गाड़ी के अंदर, ऑटो फोल्डेबल मिरर, डे टाइम रनिंग लाइट, आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रियर साइड में एसी वेंट, सारा कुछ मेरे को चाहिए था। तो गाड़ी ऐसी चाहिए थी कि 13-14 लाख में मेरे को मिल जाए, सारा कुछ उसके अंदर फीचर्स ऑलरेडी हों जो कुछ एक बंदा एक्सपेक्ट करता है SUV के अंदर। तो मैंने टाटा हैरियर को बुक किया। टाटा की गाड़ी अच्छी है, मजबूत होती हैं, टाटा मेरा फेवरेट ब्रांड है बिकॉज इंडियन ब्रांड है वो। बुक तो कर दिया, बट अब जो क्षमता थी मेरी लेने की उस टाइम फाइनेंशियली, मेरी थी XM मॉडल लेने की टाटा हैरियर में। XM में ऐसे कुछ खास फीचर्स मुझे मिल नहीं रहे थे और वो मेरे को पड़ रही थी महंगी, 14 लाख अप्रॉक्स उसके ऊपर ही जा रहा था उसका बजट, 15 लाख समथिंग। तो मैंने कहा 13 लाख से मैं 2 लाख रुपये स्ट्रेच क्यों करूँ अपने बजट को, उस टाइम कोई डिस्काउंट भी चल नहीं रहा था, टाटा हैरियर जस्ट लॉन्च हुई थी। तो ठीक है, उसको मैंने बुकिंग को कैंसिल कराया, पता चला किया आ रही है, किया को मैंने प्री बुक कर लिया सेल्टोस को आने से पहले ही, बिकॉज उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया शोरूम वालों ने कि वो मेरे को रिफंड कर देंगे। गाड़ी बुक कर दी, वेट करता रहा। मीनवाइल मैंने बात की MG में, MG में एक अच्छा मेरा फ्रेंड है जो वहाँ वर्किंग है MG के अंदर ही। अब आई डोंट नो इसको MG का कोई बंदा सुनता है कैसे लेगा, बट उसको मैंने बोला कि यार दिल्ली की जो मेरी रनिंग है एटलीस्ट 50-60 किलोमीटर्स रहती है, बिकॉज जो मेरी खुद की जॉब है, जो दूसरी जॉब मैं करता हूँ इसके अलावा यूट्यूब के अलावा, उसमें ट्रैवलिंग बहुत है। तो आप सजेस्ट करते हो MG एक्टर लेना? उन्होंने मुझे बोला कि आलोक आई वुड सजेस्ट कि आप अप्रैल तक वेट करो, MG का एक नया मॉडल आने वाला है, मॉडल इन द सेंस कि अपग्रेड्स आने वाले हैं कुछ MG एक्टर के अंदर ही। अभी करंट में थोड़ा फेलियर रेट ज़्यादा है, गाड़ी नो डाउट अच्छी है, मजबूती में अच्छी है, लंबी चौड़ी है, इससे ज़्यादा बड़ी है आपके किया सेल्टोस से,
बट फेलियर रेट थोड़ा हाई है उसका, बिकॉज इनिशियली लॉन्च हुई एंड कुछ नई चीजें उनके सामने आई जो वो पहले पकड़ नहीं पाए थे, उनकी क्वालिटी टेस्टिंग टीम बिफोर लॉन्चिंग द व्हीकल। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वेट कर। और दूसरी चीज उन्होंने मुझे बोला, अलो तू एवरेज कंपेयर करेगा ना कि या सेल्टोस का एंड एमजी एक्टर का, तो एमजी एक्टर तेरे को कुछ खास एवरेज देने नहीं वाली, मैक्स तेरे को मिलेगा 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। अब जैसा कि तू बता रहा है कि तेरी डेली रनिंग काफी हाई है, तो मैं सजेस्ट नहीं करता एमजी एक्टर लेना। बात उनकी मुझे क्लिक हो गई, मैंने फिर एमजी एक्टर को बुक नहीं किया, टाटा हैरियर मैंने कैंसिल कर दी। उससे पहले मैं इको स्पोर्ट्स ट्राई कर चुका था, टेस्ट ड्राइव कर ली, 11 लाख रुपए में सब कुछ मुझे मिल रहा था, सारे फीचर्स मिल रहे थे 11 लाख में डिस्काउंट के बाद। बट फिर इको स्पोर्ट्स मेरे को छोटी लगी, मुझे स्पेशियस गाड़ी चाहिए थी। तो दिस इज समथिंग कि सेल्टोस इज समथिंग कि मेरे को देखते ही पसंद आ गई, सारे फीचर्स मिल गए। अब गाड़ी के अंदर क्या है, गाड़ी के अंदर अपना आप इसका डिजिटल मीटर सेट कर सकते हो, इसके अंदर आपको रियर साइड में यहाँ पे एसी के वेंट्स मिल गए हैं, ये देखिए पीछे इसमें लेग रूम काफी अच्छा है, आपको मैं पीछे बैठ के दिखा भी दूंगा अभी, है ना, वाइड व्यू है। आगे देखिए ये बैठ के आप आराम से, आपको बोनट भी नजर आ रहा है अगर आपने हाइट सीट की थोड़ी सी हाइट एडजस्ट कर दी तो, एंड पूरा एसयूवी लुक की गाड़ी है, क्रॉसओवर से थोड़ा सा बढ़कर की गाड़ी है। मैं बात करूं ओवरऑल एक्सपीरियंस की गाड़ी के साथ, ये तो आपको मैंने बताया कि गाड़ी मैंने क्यों ली, किया सेल्टोस, गाड़ी में अच्छा किया है, अच्छा ये है कि अंदर इनसाइड जो कैबिन नॉइस है वो जीरो है, बिल्कुल बाहर की आवाज आती नहीं, आपको आ भी नहीं रही होगी, ऐसा नहीं कि क्वाड्राइन चल रहा है इसलिए। अगर मैं गाड़ी को हाईवे पे चलाऊंगा भी, मैंने कहीं गाड़ी खड़ी कर दी अपने इमरजेंसी के ये इंडिकेटर्स ऑन करके, इस बटन को पुश करके, तो भी मुझे बाहर की आवाज बिल्कुल आती नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज जो गाड़ी के की अपनी इंजन की आवाज होती है ना, वो अंदर आपको आएगी नहीं। अगर मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूँ मुझे बिल्कुल इंजन नॉइस महसूस नहीं होती। कई बार ऐसा हुआ है कि ऑफिस की पार्किंग में मैंने गाड़ी को स्टार्ट छोड़ दिया है, मेरे साथ मेरे कलीग हैं, कई बार उनको मैं ड्रॉप कर देता हूँ रास्ते में, वो मुझे बोलते हैं तूने गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी, मैंने कहा उनको पता भी नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट है। तो इतना रिफाइंड इंजन है, BS6 है आप ये कह सकते हो, इसलिए फिर आप ये कह सकते हो कि हाँ किया ने ध्यान रखा है। अब तो ये तो हो गई इंजन नॉइस की बात, प्लस पॉइंट की बात कि इसमें इनसाइड कैबिन नॉइस बिल्कुल निल है। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे पिकअप एंड परफॉर्मेंस की, गाड़ी का पिकअप जबरदस्त है, 1.5 लीटर का इसमें इंजन मिला हुआ है, आपको सेम ही आज की डेट में आपको मिलता है किया सॉरी हुंडई क्रेटा 2020 के अंदर, जो भी हुंडई ऑफर कर रहा है आपको अगर आप पेट्रोल लेते हो तो। तो इसके अलावा अभी सेम इंजन आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है नेवली लॉन्च्ड आपके हुंडई वर्ना के अंदर, जो परसों लॉन्च हुई है 31st of March को आई थिंक लॉन्च हुई है गाड़ी, वो उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है आप उसको देख सकते हो। सेम इंजन है तीनों गाड़ियों के अंदर, हुंडई वर्ना में, हुंडई क्रेटा के अंदर एंड आपके किया सेल्टोस के अंदर 1.5 पेट्रोल इंजन। ट्यूनिंग बता दी आपको मैंने, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं गाड़ी से काफ़ी खुश हूँ, इनफैक्ट मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मैं अपनी गाड़ी को अनलॉक करता हूँ, गाड़ी में आके बैठता हूँ, कुछ भी मैं आपसे वही बोलूंगा, देखो सी होता है कि आप अपनी गाड़ी लेने जा रहे हो, आई डोंट नो आपके पास कितनी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं, आप इसे महंगी गाड़ी भी चला चुके होंगे, कई सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो BMW चला रहा होगा आज की डेट में। तो बट एंट्री लेवल में अगर 13 लाख में मैं SUV की बात करूँ तो ये गाड़ी मेरे को परफेक्ट लगी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स विच दे आर ऑफरिंग, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ इसमें मिला हुआ है आपको। आप अगर गाड़ी में बैक गियर लगाते हो, यहाँ पे बड़ी स्क्रीन है, सब कुछ आपको नजर आने लगता है, प्लस पॉइंट है। सनग्लास होल्डर आपको गाड़ी के अंदर मिला हुआ है, इन सब लाइट्स को आप कभी भी चेंज करवा सकते हो, येलो से वाइट अप करवा सकते हो। इसके अलावा ये तो था फीचर्स की बात, अब मैं बात करूं खराब क्या लगा। इनिशियली मैंने गाड़ी के ऑफ रोडिंग का एक वीडियो अपलोड किया था, आप मेरे वेब इसको चेक करोगे यूट्यूब चैनल को आपको मिल जाएगा वो, मैंने बताया था गाड़ी नई है उस हिसाब से सही परफॉर्म कर रही है, सस्पेंशन अच्छा है। अभी थोड़ी सी मेरी राय चेंज हो गई है इतना चलाने के बाद, 10,690 किलोमीटर गाड़ी को चला चुका हूँ, सस्पेंशन में थोड़ा सा इस गाड़ी ने मेरे को हद उत्साहित किया, मैं थोड़ा सा दुखी हूँ सस्पेंशन से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि दिस समथिंग कि आप गाड़ी परचेज ना करो, सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है गाड़ी का, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आज इतना चलाने के बाद गाड़ी को। इनिशियली मेरे को लगा नई कार के हिसाब से गाड़ी का जो सस्पेंशन है सही परफॉर्म कर रहा है, बट अभी मेरी राय चेंज हो चुकी है। आप जब गाड़ी को लेते हो या सेल्टोस को आप चलाओगे, आपको हर एक रोड ब्रेकर फील होने वाला है, बट रोड ब्रेकर फील होने वाला है तो ये नहीं बोलेंगे गाड़ी में खराबी है, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है, हर एक कंपनी की अपनी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है, वो टेस्टिंग करने के बाद लॉन्च करते हैं, हो सकता है फ्यूचर में जो आने वाले लॉट्स हैं उसमें वो ठीक कर दें, बट अभी के लिए सस्पेंशन में थोड़ा सा कुछ बेहतर काम किया कर सकता था। प्लस पॉइंट मतलब इनसाइड कैबिन नॉइस निल है, पिकअप बहुत जबरदस्त है गाड़ी का। इसके अलावा
आपका जो नेल पॉइंट खराब है, जो खराबी लगी मेरे गाड़ी के अंदर, अभी तक केवल मेरे को सस्पेंशन को लेकर लगी है। अब मैं बात करूं आपके सर्विस कॉस्ट को लेकर के, सर्विस के मामले में आप बेफिक्र रहो, कोई भी इशू गाड़ी में आने नहीं वाला। अगर आपने किया सेल्टोस को लिया तो, ये जो इनिशियली वीडियोज आए कि पावर फेलियर हो गया, गाड़ी का बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, जीटी मॉडल हायर मॉडल था हमसे उनके पास, बहुत कुछ। देखो होता क्या है फ्रेंड्स, हर एक चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। आपने कोई गाड़ी ली या आपने कोई फोन भी लिया, सपोज आईफोन ले लिया आप, या प्लानिंग कर रहे हो गाड़ी या फोन लेने की, अब जब ऑनलाइन सर्च करते हो ना, आपको नेगेटिव भी सुनने को मिलते हैं, आपको पॉजिटिव भी सुनने को मिलते हैं। अब जो चीज जितनी ज्यादा बिकेगी उतना ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। तो दो लोगों ने बोला कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि सारी गाड़ियां खराब है। तो दूसरों की बातों में आपकी गाड़ी तो कभी लेनी नहीं चाहिए। अपना बजट देखो, आप फीचर्स देखो, बजट में क्या मिल रहा है आपको, एंड आंख बंद करके गाड़ी को ले लो। आपका खुद का डिसीजन मैटर करता है, दूसरों की बातों में आकर इस तरह के डिसीजन चेंज नहीं करने चाहिए। 13 से लेकर 17-18 लाख रुपए तक की बातें फंसाने की है ना, तो आप दूसरों की बातों में आकर के अपना डिसीजन मत लेना गाड़ी को लेकर के एटलीस्ट। अब हम बात करें सर्विस की, सर्विस अच्छी है। दो बार फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस में मैं 2-2 घंटे में फ्री हो गया। थर्ड सर्विस में मेरे को 4 घंटे लगे। उन तीनों सर्विस वीडियोस का मैंने लिंक ऑलरेडी बनाया हुआ है, वीडियोस में बना चुका हूं। आपको इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे मिल जाएंगे उन तीनों वीडियोस के लिंक, आप जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट सर्विस में कैसा लगा उनका वर्कशॉप, कैसा है लुक एंड अपीयरेंस वाइज, सेकंड सर्विस में क्या किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड थर्ड सर्विस में कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्या उन्होंने किया। अब मैं बात करूं पार्ट कॉस्ट की, तो आपको मैं एग्जांपल देना बेहतर समझूंगा पार्ट कॉस्ट को लेकर के, एंड आप जज कर पाओगे कि हाँ पार्ट कॉस्ट सही थी कि गलत थी। चलिए दिखाता हूं आपको। मैं जब गाड़ी को लिया था, एक दिन मैं जा रहा था मालवीय नगर साइड दिल्ली में, मालवीय नगर आपका दिल्ली में पड़ता है। सॉरी मेरी की जेब में रखी रह गई गाड़ी की, तो फिर मैं की को अंदर रख देता हूँ वरना गाड़ी बात करती रहेगी। ये देखिए, एक बाइकर मेरे बगल से गया, उसकी बाइक का पता नहीं क्या वो पार्ट लगा, ये जो क्लैडिंग है रियर डोर के ऊपर की, ये क्लैडिंग निकल गई, बाहर आ गई। आपको पता है इसमें खर्चा कितना आया इस क्लैडिंग को चेंज करवाने का? ये इतना पूरा पार्ट है, देखिए यहाँ से जॉइंट है, ये यहाँ से होकर के यहाँ तक गया हुआ है। ये पार्ट चेंज कराने का कॉस्ट आया है मेरा 750 रुपीज़ अप्रॉक्स केवल। एक एग्जांपल आपका ये हो गया, इसको मैंने चेंज करवा रखा है, ये किया के वर्कशॉप से लगवाया, 1 घंटे में फ्री हो गया, 750 रुपीज़ अप्रॉक्स मैंने पे किए हैं। देन दोबारा एक और बाइकर आया, दिल्ली एनसीआर में यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होता है, जाम वगैरह लगता है। एक बाइकर का हैंडल इस ग्लास पे टच हो गया, इंडिकेटर के ऊपर टच हो गया। मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ आपके लिए, देखिए इस पर टच हो गया, इसमें क्रैक आ गया था, उसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, आपको मैं लिंक दे दूंगा आखिरी में। आई थिंक मैंने थर्ड सर्विस रिव्यू वीडियो के अंदर ही उसको दिखा रखा है, टूटे हुए ग्लास इंडिकेटर को, ये टूट गया। अब मेरे हाथ पांव फूल गए, मेरे को लगा कि ये बहुत महंगा पड़ने वाला है मुझे, ये मुझे बहुत महंगा पड़ेगा अगर मैं चेंज कराऊंगा तो। और पहले मैंने बाहर इसके कुछ ऑप्शन ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिले नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूं। मैं मान के चला था कि 8-9 हज़ार रुपये लगेंगे इस रियर साइड ड्राइवर साइड के ORVM को चेंज करने के, बट जब मैं वर्कशॉप पे गया थर्ड सर्विस कराने के लिए, मैंने वहाँ पे पूछा उनसे रेट क्या है, भैया इसका इंडिकेटर मेरा टूट गया है, एक बाइकर ने अपना हैंडल मार दिया इस पे। अब हुआ क्या, सर्दी का मौसम था, मई जनवरी फरवरी का, पूरा उसमें फॉग भर जाता था, लगता था पानी भरा हुआ जैसे कि। तो टू माई सरप्राइज उन्होंने मुझे बोला, वर्कशॉप वालों ने किया के, कि सर चेंज हो जाएगा, सस्ता है, पहले बोला 1800 रुपये लगेंगे, मैं क्या कर दो भैया तुरंत, आप कहाँ पे 8,000 रुपये 10,000 रुपये का ORVM पूरा चेंज करना, कहाँ पे केवल आपका इंडिकेटर चेंज हो जाना, मैं क्या 1800 रुपये लगेंगे चेंज कर दो। जो फाइनल बिल आया वो आया 1150 रुपये अप्रॉक्स का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्ट कॉस्ट जो गाड़ी की है वो बहुत सस्ती है। रियर जो मेरा व्हील है उसके ऊपर की क्लैडिंग मैंने चेंज करवा ली 750 रुपीज़ में। आपका इंडिकेटर मैंने अभी चेंज करवा लिया, अपना इंडिकेटर टूट गया था, उसे पानी भर जा रहा था सर्दी के मौसम में फॉग की वजह से, एंड उसको मैंने चेंज करवाया 1150 रुपीज़ में। तो गाड़ी इतनी सस्ती है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। एक चीज़ गाड़ी में आज तक और करवाई है, रियर साइड के डोर में, आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो मेरा रियर डोर है को ड्राइवर साइड के पीछे वाला इधर, इसमें पड़ गया था स्क्रैच, उसका मैंने एक गो मैकेनिक सर्विस रिव्यू करके वीडियो बनाया हुआ है, आपको मैं लिंक दे दूंगा उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ मैंने इसको मैंने रीपेंट करवाया हुआ है, इसमें एक लंबा सा स्क्रैच पड़ गया था, एंड मैंने जब किया के वर्कशॉप पे पूछा कि कितने रुपए लगेंगे, तो किया के वर्कशॉप ने मुझसे बोला कि सर इसमें लग जाएगा आपका
6,500 रुपये के लगभग, 6 से 6,500 रुपये का कॉस्ट आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस से कर दो। वो मुझे बोलते हैं कि सर अगर आप जीरो डेप्थ इंश्योरेंस में करवाओगे तो आपको वेट करना पड़ेगा 6 दिन से लेकर 7 दिन तक। अब मैं बंदा जो जॉब कर रहा है दिल्ली 50-60 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, एंड मैं वो बंदा जो आजकल यूट्यूब का शौकीन हो गया, यूट्यूब में आप लोगों के लिए रिव्यू वीडियो बनाता रहता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता है, मेरे लिए बहुत पेनफुल था अपनी नई नई गाड़ी को कहीं पे छोड़ना 6 दिन के लिए। मैंने पता किया गो मैकेनिक के बारे में, गो मैकेनिक की एप्लीकेशन आती है, मैंने उनके इंचार्ज से बात की, मेरे को खुद कॉल आ गया था रिक्वेस्ट प्लेस करने पे। गो मैकेनिक ने सारा काम 2200 रुपये में कर दिया। 2200 रुपये लिए को ड्राइवर साइड के पीछे वाले दरवाजे को, रियर डोर को मेरे अपोजिट साइड के, उसको पेंट किया और मुझे गाड़ी वापस कर दी विद इन 48 आवर्स। कहाँ पे 6 दिन गाड़ी जमा करना वर्कशॉप पे किया के, और कहाँ पे 2 दिन में गाड़ी वापस मिल जाना। अगर मैं उनसे कराता किया कि वर्कशॉप से, वो 6,000 रुपये में गाड़ी को करने जा रहे थे चार्जेबल, अगर कराऊंगा इंश्योरेंस में तो 6 दिन में, और मैंने बाहर से कराया 2200 रुपये में, और विद इन 1.5 डेज आई गॉट माई कार बैक। अब गो मैकेनिक से नई गाड़ी देना सही रहेगा? तो गो मैकेनिक में क्या था कि मैंने भी रिस्क लिया, बट मैं सर्विस से खुश हूँ उनके, 1.5 डेज में गाड़ी वापस मिल गई, घर से गाड़ी पिकअप की, घर पे गाड़ी ड्रॉप की, एंड 2 साल का उन्होंने मुझे इसमें वारंटी भी दिया है पेंट के फेड होने का या खराब होने का, तो दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर मी, वो गाई लाइक मी। 2200 रुपये में सारा काम हो गया, गाड़ी नई की नई लग रही है। तो ये आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है सर्विस क्वालिटी का। पेंट के मामले में अगर आप पेंट वगैरह करवाते हो वर्कशॉप से, थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, आप ट्राई कर सकते हो कि बाहर के ऑप्शन एक्सप्लोर करो। सी, जो कंपनी का दिया हुआ पेंट होता है वो वर्कशॉप भी कर नहीं सकती, उनके पास पेंट का कंपोजिशन का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है वर्कशॉप वालों के पास, किसी भी ब्रांड की हम बात करें, मारुति की, आपके रेनो की, आपके होंडा की, आपके किया की, सबके सारे वर्कशॉप के पास जो गाड़ियों के होते हैं, इनके पास पेंट का कंपोजिशन फॉर्मूला दिया जाता है कंपनी की तरफ से, जिसको ये लोग स्प्रे पेंट या सब कुछ करते हैं, बट वो हम बात करें मशीन पेंट वाली बात, वो नहीं आ पाती जो गाड़ी में इनिशियली लेने पे मिलती है। तो आप बाहर से पेंट कराओ या अंदर से कराओ, बात एक ही हो गई। तो मैंने गाड़ी को बाहर से पेंट करा लिया। इन टर्म्स ऑफ पार्ट कॉस्ट, लाइक जो गाड़ी के पार्ट्स वगैरह खराब हुए, पार्ट्स सस्ते हैं, आराम से गाड़ी का 2 पार्ट में चेंज करवा चुका हूँ। टोटल खर्चा दोनों का जोड़ूंगा तो 4,000 रुपये ऊपर नहीं जाएगा, 450 रुपये एक का लगा रियर क्लैडिंग का डोर व्हील के ऊपर के, एंड इसका इंडिकेटर का मेरा लगा 1,150 रुपये के लगभग, और मैं फ्री हो गया। पेंट मैंने बाहर से करवा लिया, तो सर्विस भी गाड़ी की सस्ती है, ये बोलने का मतलब मेरा। अब हम बात करें स्टॉक टायर्स की, लाइक गाड़ी के साथ जो टायर्स मिले हैं कैसे हैं। आपको मैंने बताया सस्पेंशन कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सस्पेंशन है। मैं ये बोलूं कि हाँ गाड़ी चली नहीं रही रोड पे, या आप सस्पेंशन की वजह से गाड़ी मत लो, तो ये सही नहीं रहेगा, अनजस्टिफाइबल रहेगा। सस्पेंशन को ठीक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक मैं अभी अपने 5 टायर्स के अंदर यूज कर रहा हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है प्रॉपर्टी वाइज ठंडी होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, गाड़ी के टायर्स को ठंडा रखती है। अब जब गाड़ी को चलाओगे तो गाड़ी की जो बबलिंग है, जंप करना जो है, वो कम हो जाता है पोस्ट पुटिंग नाइट्रोजन इनसाइड योर टायर्स। मैंने गाड़ी के अंदर डलवा दिया है नाइट्रोजन टायर्स के अंदर, थोड़ी बबलिंग कम हो गई, उससे सस्पेंशन में थोड़ा फर्क पड़ गया। इसके अलावा जो स्टॉक टायर्स मिले हैं गाड़ी के अंदर, वो कुछ खास नहीं है, कुमो के टायर हैं, आई थिंक गुडियर या किसी ब्रांड का टायर है ये कुमो, मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, कुमो टायर है इसका। तो क्वालिटी कुछ खास नहीं है टायर की, बट टचवुड, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखे, वो कह रहे हैं टायर मेरा फट गया चलते चलते, खराबी आ गई, आई डोंट नो कैसे मिसहैपनिंग हुई, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा, बट मैं अभी तक टायर्स की परफॉर्मेंस से खुश हूँ। आपको मैं टायर्स दिखा भी देता हूँ एक बार, ये देखिए ये रियर टायर है हमारा, ये देखिए कुमो का, ये कुमो लिखा हुआ है, और ये आपका आगे का टायर है, ये आपका आपका हो जाएगा आगे का टायर, ये देखिए। फ्रंट टायर वैसे भी ज़्यादा गिरता है बिकॉज इंजन यहीं पर है, ये आगे घूमता है, फोर व्हील ड्राइव तो गाड़ी है नहीं अभी है। तो टायर्स में कुछ खास कमी नहीं है, मतलब स्टॉक टायर्स भी आपके ठीक हैं, बट आप जब फ्यूचर में इसमें कुछ मिशलिन वगैरह के टायर लगवा लोगे ना, तो उसका भी सस्पेंशन पर फ़र्क पड़ेगा। तो अभी तक जो कमी आपको मैंने बताई गाड़ी के अंदर, सस्पेंशन में थोड़ा सा काम स्टिफ है, बट दैट इज़ नॉट समथिंग कि आप उसके लिए गाड़ी परचेज ना करो, बहुत माइनर सा आपको लगेगा स्टिफनेस है सस्पेंशन के अंदर, ओवरऑल सही है, गाड़ी से मैं बहुत खुश हूँ। इनसाइड कैबिन नॉइस निल है बिल्कुल, आवाज़ आती नहीं है, एंड गाड़ी में अगर मैं प्राइस वाइज बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ इसके अंदर फीचर्स हैं। सर्विस कॉस्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया, कोई भी क्वेरी है आप मेरे से कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, वो सारे पॉइंट्स मैं उसके अंदर कवर कर लूंगा।
मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ भी इशू है, आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको टाइम पे रिप्लाई करूं। लास्ट रिक्वेस्ट, अगर अभी भी कुछ फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार से कर लीजिए, बिकॉज मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट्स लगाता हूं कि मैं आपके लिए ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊं। हर कोई लाइफ में ग्रो करना चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि हाँ मेरा चैनल आगे बढ़े ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे कुछ करने का। अच्छा, आपके लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।